वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ खजूरी के दीपक त्यागी हत्याकांड का खुलासा भी पुलिस को राहत देने वाला साबित नहीं हुआ। परिजन व ग्रामीण दीपक के कटे सिर के साथ धरनारत है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने यह कहते हुए मेरठ पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि वह भी इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। परिजन ग्रामीणों को त्यागी समाज के समर्थन के बाद मंत्री दिनेश खटीक का यह बयान कोड़ में खास सरीखा ही है। धरना स्थल पर मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि वह कुछ लोगों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी से मिलने की कोशिश करेंगे। इस बीच यदि 9 अक्टूबर तक बाकी हत्यारे भी गिरफ्तार न हुए तो वह भी पुलिस के खिलाफ बाकी लोगों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। धरना स्थल पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ लोगों को बचाने का काम किया है। देखिए, ऐसा है, जो बात मैंने अभी आपसे बोली थी कि मैं जो भी 4-5 आदमियों का समूह होगा उसको लेकर के पूरा प्रतिनिधि मंडल, विधायक जी भी साथ चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी बात से अवगत कराएंगे और अवगत करा के मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे अपनी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत गंभीर भी हैं और गंभीरता से इसको जो मुलजिम बचे हुए हैं जो पुलिस ने जानबूझकर बचाए हैं, मैं तो यही कहूँगा जो बचाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं प्रयास ये करूँगा कि ये जो आपका कार्यक्रम है अभी जो मुखिया जी ने बताया 9 तारीख हम 9 तारीख से पहले वहाँ पर जाकर के वार्ता कर आए मुख्यमंत्री और 9 तारीख तक अगर पुलिस प्रशासन नहीं खुला 9 तारीख से पहले 8 मार्च 9 से पहले हम पहले ही कह रहे हैं 9 तारीख मैंने फिर अरे हम तो 9 से पहले ही कह रहे हैं 9 से पहले जी हाँ 9 तारीख से पहले चलेंगे और 9 से पहले यदि कोई समाधान नहीं निकला तो फिर वो मैं भी आपके साथ जैसे ठीक है आपको आपको कोई बात कहनी हो तो कह सकता है। इसके बाद मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने यह कहा है, आपने किस तरह से आश्वासन दिया है इनको, किससे मिलवा कर लाएंगे आप? परिवार ने को साथ लेकर के जाएंगे, जो परिवार की मांगे हैं उनकी 5 मांगे हैं, जो मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको बताई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को मिला करके इनकी समस्या का सोल्व किया जाएगा और जो भी समस्याएँ हैं और जो मुलजिम है इसके अंदर वो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हों। मंत्री, पुलिस ने खुलासा सही नहीं कराया, आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस के खुलासे? मैं पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं हूँ, जो ये खुलासा हुआ है उसमें पुलिस ने अपराधियों को बचाने का काम किया है। 1 करोड़ मुआवजे की और 1 सरकारी नौकरी की परिवार की मांग है, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को ले जा करके जो इन्होंने मांगे रखी हैं उसको ले जा करके उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मिलना चाहिए। मेरठ के बाद बुलंदशहर में सर काटने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे, ये चलन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? ऐसा नहीं है, आपने को पता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है 2014 से पहले क्या इतिहास था ये आपको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा साफ हो गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसमें गिरावट आई है और ये जो घटनाएं हुई हैं ये घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। क्या धरना का गलत खुलासा क्या है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी बिल्कुल। क्या ये 24 घंटे का वक्त बीत चुका है धरने को, आगे भी जारी रहेगा इस बारे में कोई बात? अभी इसके बारे में मैं धरने की कोई बात नहीं कहूंगा, ये समाज के लोग तय करेंगे, मेरा काम है इनको न्याय दिलाना, मैं न्याय दिलाने की तरफ हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।